प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार के आम चुनाव में आंग सान सू की अगुवाई वाली नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की जीत पर उन्हें बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने आंग सान सू को जीत हासिल करने पर बधाई देते हुए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने दोनों देशों के बीच मित्रता के पारंपरिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए साथ में काम करने की प्रक्रिया को जारी रखने की बात कही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, चुनावों में जीत के लिए आंग सान सू और एनएलडी को बधाई। चुनाव का सफल आयोजन म्यांमार में चल रहे लोकतांत्रिक परिवर्तन का एक और कदम है। मैं दोस्ती के हमारे पारंपरिक बंधन को मजबूत करने के लिए आपके साथ काम करना जारी रखना चाहता हूं। म्यांमार की वर्तमान स्टेट काउंसलर आंग सान सू ने संघ सॉलिडरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी के प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों के खिलाफ यंगून के कावूम निर्वाचन क्षेत्र में मुकाबला किया। आंग सान सू की पार्टी ने लगातार दूसरी बार संसदीय चुनाव में जीत हासिल की है। आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें TV9 भारतवर्ष। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।